हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो हम बात करेंगे इंग्लैंड T20 ब्लास्ट के लीग के मैच के बारे में जो खेला जाएगा वोस्टरशायर और डर्बीशायर के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीमों का उन प्लेयर्स पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे जो टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे प्लस अपने खाते के कम्प्लीट 4 ओवर भी करते नजर आएंगे और किस प्लेयर को टीम का कैप्टन बनाना है और किसको वाइस कैप्टन बनाना है। अगर आप भी इन बातों को लेकर कन्फ्यूज हैं तो आप वीडियो कम्प्लीट देखना, सारी कन्फ्यूजन आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। ओके, और हाँ दोस्त, कुछ ऐसे प्लेयर्स पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे जिनका ड्रीम इलेवन पर काफी लो सिलेक्शन रहेगा, लेकिन वही प्लेयर अपनी टीम के लिए ओपनिंग बॉलिंग करेंगे प्लस डेथ ओवर में भी वही प्लेयर बॉलिंग करेंगे और प्लस में मिडल ऑर्डर में बैटिंग करने भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं उन प्लेयर्स की वजह से आप इस मैच में स्मॉल लीग तो विन करोगे ही प्लस आप ग्रैंड लीग में भी उन प्लेयर्स का एडवांटेज ले सकते हो। एक दो प्लेयर को इंटरचेंज करना, बाकी आप ग्रैंड लीग में भी अच्छी खासी रैंक ला सकते हो। ओके, बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना। अब हम नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट्स टेबल पर। तो गाइस, T20 ब्लास्ट को दो भागों में बांटा गया है, एक साउथ ग्रुप है, एक नॉर्थ ग्रुप है और यहाँ पर डर्बीशायर और वोस्टरशायर को नॉर्थ ग्रुप में रखा गया है। डर्बीशायर इस ग्रुप में फिलहाल टाइम पर 5th पोजीशन पर है और वोस्टरशायर फिलहाल के टाइम पर इस ग्रुप की सबसे निचली सतर की टीम है। तो इन दोनों टीमों में जो पोजीशन का अंतर है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। डर्बीशायर ने 7 मैच खेले हैं जिनमें से 3 मैच विन करें, 4 मैच लॉस किए हैं और वहीं पर बात करें वोस्टरशायर ने 7 मैच खेले हैं, सिर्फ एक ही मैच विन किया बल्कि 6 मैच इस टीम ने लॉस किए हैं। तो यहाँ से एडवांटेज है कि डर्बीशायर इस मैच को विन कर सकती है और आप 7-4 के कॉम्बिनेशन के अनुसार इस मैच में टीम भी बना सकते हो डर्बीशायर के फेवर में। ओके, तो लेकिन याद एक ये रहे कि ये मैच वोस्टरशायर का होम ग्राउंड और थोड़ा सा एडवांटेज रहता है जो टीम अपने होम में खेलती है मैच को विन करने के लिए। लेकिन हम बात करेंगे इस मैच की जो शुरुआत होगी वो आज रात 10 बजे ये मैच शुरू हो जाएगा और इसकी जो लाइनअप रहेंगी वो आपको 9:30 बजे मिल जाएंगी, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना आपका बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस मैच की जो भी लाइनअप रहेगी, बैटिंग ऑर्डर की, कौन सा प्लेयर कब बैटिंग करना आएगा और कितने ओवर तक की बॉलिंग कर सकता है और किस प्लेयर को हमें ग्रैंडलिंग टीम का कैप्टन बनाना और किसको वाइस कैप्टन बनाना, उसका अकॉर्डिंग जो फाइनल टीम रहेगी और फाइनल जो अपडेट रहेंगी इस मैच से रिलेटेड वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने टॉप के कमेंट में और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये मैच खेला जाएगा काउंटी ग्राउंड न्यू रोड वोस्टरशायर। तो पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो ये पिच बिल्कुल आप मान सकते हो बैटिंग फ्रेंडली है और पेसर को मदद करती है। जो टॉप क्लास स्पिनर रहते हैं उन्हीं वही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हैं, वरना एक लो क्लास के जो स्पिनर रहते हैं वो इतना खास परफॉर्मेंस नहीं करते। तो यहाँ से आप क्लियर मान सकते हो कि पेसर का और यहाँ से बैटिंग फ्रेंडली मैच है, तो कहीं ना कहीं आप बैटिंग और बॉलर को आप एडवांटेज कर सकते हो। ओके, तो बात करें यहाँ से इन दोनों टीमों की, क्या इस मैच की लाइनअप हो सकती है, क्या बैटिंग ऑर्डर हो सकती है। तो बात करें सबसे पहले वोस्टरशायर, जो कि प्रीवियस मैच में अपनी जो लाइनअप उतारी थी इस तरह की थी जिसमें जैक लीबी और ओलिवेरा इस टीम के लिए ओपनिंग करते नजर आए, मोइन अली फर्स्ट डाउन और कोलिन मुनरो सेकंड डाउन और जेक हाइनस इस टीम तरफ से थर्ड डाउन नजर आए। बाकी यहाँ से बर्नार्ड है, बैनकॉक्स है और एंटन है, डेजे ब्रावो है, पेनिंगटन है और पैट्रिक ब्राउन है। तो यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, देखो जेक ली भी रिसेंटली मैच खेला है इस टीम के लिए, 4 ही रन बनाए, लेकिन रिसेंट फॉर्म इसका काफ़ी डाउन है। तो यहाँ से ओलिवर एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, क्यों? क्योंकि ये बॉलिंग भी करता है प्लस टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है, मतलब टॉप ऑर्डर क्या ओपनिंग ही करता है। मोइन अली इस टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर क्यों है? क्योंकि बैटिंग से तो चाहे इसका पॉइंट ना आए लेकिन बॉलिंग से इसका पॉइंट भी आते हैं प्लस कैचेस का भी पॉइंट मिलते हैं। कोलिन मुनरो रिसेंटली 2 मैच में इसका सिर्फ 1 ही रन आया है, लेकिन उससे पिछला मैच जितने खेले उसमें परफॉर्मेंस इसका डिसेंट रहा लेकिन इतना भी बेहतर नहीं रहा, तो इनको ट्राई कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ से ज़्यादा सजेस्ट करूँगा जैक हाइनेस को, जो कि काफ़ी यंग एंड टैलेंटेड प्लेयर है और परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट अपनी टीम के लिए करता है, तो इनको मैं टीम में ट्राई करूँगा। बर्नार्ड एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, क्यों? क्योंकि जब भी इसकी बैटिंग आती है बैटिंग से कंट्रीब्यूट करता है प्लस बॉलिंग से भी कहने के विकेट निकाल लेता है। बैनकॉक्स को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा और यहाँ से एंटन को भी सजेस्ट नहीं करूँगा। डीजे ब्रावो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, क्यों? ये चाहे बैटिंग इस टीम की, चाहे फील्डिंग पहले हो चाहे बॉलिंग पहले हो, मतलब बैटिंग पहले हो, तो ये प्लेयर ऐसा है जो विकेट निकाल ही लेता है, तो इसको मैं इतनी ट्राई करूंगा। लेकिन पैट्रिक ब्राउन को तभी ट्राई करूंगा अगर वोस्टरशायर पहले बॉलिंग करती है, क्योंकि इसका चांस रहेगा डेथ ओवर में बॉलिंग करने का और उस कंडीशन में विकेट आने का भी, तो इसलिए इसको तभी ट्राई करूंगा। तो यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनको हम किसी भी कंडीशन में ड्रॉप नहीं कर सकते, उन प्लेयर को मैं राइट का टिक कर रहा हूँ और उन्हें आप अपनी टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, तो यहाँ से ओपनर बॉलर यानी 16वां 17वां 18वां ओवर तक के जो बॉलिंग करते हैं और जो पहले से 5वें ओवर तक बॉलिंग करते हैं उसे बोलते हैं हम ओपनर बॉलर, और जो मतलब 17 से 20 के बीच में जो बॉलिंग करते हैं वो रहते हैं डेथ ओवर बॉलर। तो यहाँ से आपके सामने पैट्रिक ब्राउन और डीजे ब्राउन रहेगा और ओपनिंग में यहाँ से
पेनिंगटन और पैट्रिक ब्राउन रहेगा। तो यहाँ से ब्राउन एक क्लियर है कि ओपनिंग प्लस डेथ ओवर क्लियर है, फिर डीजे ब्राउन को ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पेनिंगटन का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ऐसा ही रहता, लेकिन आप यहाँ से पिछले तीन मैच का रिकॉर्ड देख सकते हो। देखो यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है पिछले तीन मैच इन दोनों टीम मतलब इस टीम ने मतलब इस प्लेयर इन दो सॉरी इस टीम के प्लेयर ने किस तरह परफॉर्मेंस किया, लेकिन लास्ट के जो तीन मैच हैं बॉलिंग स्टेट आपके सामने है। बेंटन ने प्रीवियस मैच खेला सिर्फ एक ही ओवर किया और उस मैच में एक विकेट निकाली। फिर यहां से बेकर ने उससे पिछला इस प्लेयर का रिप्लेसमेंट किया और पेनिंगटन इस टीम के लिए पर मैच में तीन ओवर करता नजर आया। पैट्रिक ब्राउन कंटिन्यू चार ओवर करता है और यहाँ से ओलिवेरा भी एक ऐसे बॉलर है जो कंटिन्यू ओवर करता है। और डीजे ब्रावो तो ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, हर मैच में विकेट निकालता प्लस कभी कभी बैटिंग से थोड़ा बहुत पॉइंट दे जाता, तो कंप्लीट अपने चार ओवर करता। बेनार्ड और मोइन अली इन दोनों को भी आप टीम में ट्राई करके चल लेना। ओके, तो यहाँ से इसके सारे के सारे ओपनर बॉलर भी हो गए प्लस इस टीम के जितने बॉलर हैं मतलब बैटिंग भी बैटिंग वाले भी हो गए और बॉलर भी हो गए, तो कहीं ना कहीं यही वो आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे। ओके, तो बात आती है जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक तो मैंने टॉप के कमेंट में डाल दिया। सबसे बेस्ट तरीका कि टॉप के कमेंट और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, सर्च करके ना करें क्योंकि बहुत सारे फैक चैनल मिलेंगे और आप सर्च करके ज्वाइन भी करोगे ना तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो गया यार कौन सा है मेन चैनल। तो इससे बेस्ट है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो दिया हुआ लिंक है उसी से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। तो डर्बी शायर की जो प्लेइंग 11 क्या हो सकती है आज के मैच में जो प्रीवियस मैच के अनुसार देखी गई है, तो डर्बी शायर ने प्रीवियस मैच में इस तरह की बैटिंग ऑर्डर उतारी जिसमें शान मसूद इस टीम के लिए ओपनिंग और रीस जो कि इस टीम तरफ से ओपनिंग करते नजर आए। तो दोनों प्लेयर काफ़ी कंसिस्टेंट आप मान से तो परफॉर्मेंस कर रहे हैं और यहाँ से वाई मैडिसन जो प्रीवियस मैच में इसने परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया लेकिन उससे पिछले जितना मैच खेला काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया, कभी कभी तो एक दो ओवर निकाल भी लेता है। लेकिन एल डू प्लू एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है गोल में मतलब बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी परफॉर्मेंस करता है, लेकिन मैं यहाँ से गोल की मतलब विकेट कीपर में गेस्ट को पिक करके चलूंगा क्योंकि इसकी बैटिंग ऑर्डर भी ऊपर है और कहीं ना कहीं अच्छा खासा रन बना लेता है। और हुजेस को क्यों पिक करूंगा क्योंकि ये ऐसा प्लेयर है जो कि बॉलिंग तो करता ही है प्लस डेथ ओवर में करता है और कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर में बैटिंग टॉप ऑर्डर नहीं लेकिन मिडल ऑर्डर में बैटिंग कर लेता है। मकेन और हैकर मतलब ये हैकर हैं इनको मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। मार्कोट एक स्पिनर है लेकिन कंसिस्टेंट इसका कभी भी नहीं रहता, कंप्लीट अपने वो खाते के चार ओवर तो करता है लेकिन विकेट टेकर नहीं है। कॉनर्स और सकीम शो जो ये सकीम शो मुझे काफ़ी पसंद है तो इनको ट्राई कर सकते हो। यहाँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है शान मसूद एल डू प्ले एलेक्स हुजेस गेस्ट और यहाँ से बाकी बॉलिंग हम ट्राई करेंगे लाइनअप मतलब लाइनअप के अनुसार और टॉस के अनुसार कि कौन सी टीम पहले बैटिंग कर रही है और कौन सी टीम पहले बॉलिंग कर रही है उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ से जो ओपनर बॉलर इस टीम के लिए है मतलब हेडन कर है और मार्क वट इस टीम के लिए ओपनिंग बॉलिंग करते नजर आते हैं और डेथ ओवर में सकीम शो और यहाँ से एलेक्स हुजेस जो कि ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लेयर है तो इनको मैं इसलिए सजेस्ट करूँगा। ओके, तो लास्ट के तीन मैचेस में जो इस टीम की बॉलिंग रही है कि कौन से प्लेयर ने कितने ओवर की बॉलिंग की है तो वो आपके सामने हेडन कर ने रिसेंटली देख सकते तीन मैचेस में, पिछले मैच में इसने तीन ओवर किए दो विकेट निकाली, उससे पिछले मुकाबले दो ओवर किए एक विकेट निकाली, फिर उससे पिछले मुकाबले में इसने दो ओवर किए एक विकेट निकाली। मैडिसन का कंसिस्टेंट रहता नहीं है क्योंकि गोल मतलब कभी कभी बॉल भी नहीं करता। ओके, तो यहाँ से मार्कोट का कंटिन्यू बॉलिंग है कि चार ओवर तो करता ही करता और एक ही विकेट निकालता उससे ज़्यादा नहीं निकालता तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा। सकीम शो को एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है क्योंकि ये कंटिन्यू प्लस बॉलिंग करता है और डेथ ओवर करता है, पर मैच में इसका एवरेज रहा कि दो विकेट निकाल ही लेता है। कॉनर्स और यहाँ से मैकेन और एलेक्स हुजेस एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और मकेन और कॉनर्स का कंटिन्यू रहता कि ये चार ओवर करेंगे भी या नहीं करेंगे लेकिन लाइनअप आने के बाद पता चल जाएगा। ओके, तो ये यहाँ जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है मैं फिर से टिक कर देता हूँ सकीम शो और यहाँ से मैं एलेक्स हुजेस इन दो प्लेयर को ड्रॉप नहीं करूँगा। तो बात आती है इस मैच में हमारी क्या होनी चाहिए समोली की ड्रीम इलेवन पर टीम, तो चलिए नजर डालते हैं इस मैच की टीम पर। तो गाइस बॉलिंग मतलब विकेट कीपर सेक्शन में आपके सामने दो प्लेयर देखने को मिलेंगे, एक गेस्ट और यहाँ से कॉक्स, तो दोनों में इनको ट्राई करा मैं यहाँ से गेस्ट को पिक करूँ क्योंकि इसकी बैटिंग ऑर्डर थोड़ी सी ऊपर भी है और कहीं ना कहीं इसका नंबर आ ही जाता बैटिंग करने के लिए। ओके, तो यहाँ से मैं बॉक्स को मतलब कॉक्स को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता। ओके, बात करें बैटिंग में तो यहाँ से शान मसूद मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी और यहाँ से जेक हाइनेस सेकंड चॉइस रहेगी, तो इन दो प्लेयर को ड्रॉप नहीं करना। कोलिन मुनरो और वाइन मैडिसन इन दोनों को ट्राई कर सकते हो लेकिन मैं थोड़ा सा हट के गया हूँ और यहाँ से
होजे इसको पिक करके चलाऊँ। क्यों? क्योंकि ये बॉलिंग भी करता है प्लस बैटिंग में भी इसका कंट्रीब्यूट रहता ही रहता है, तो इसलिए पिक करके चलाऊँ। और एक दो टीम में जैक लीवी को ट्राई कर सकते हो। जैक लीवी खेलेगा या पोलो खेलेगा, जो भी खेलेगा आप ग्रैंड लीग में ट्राई करना, समोर लीग में ड्रॉप करना, ओके। बाकी जितने और प्लेयर्स हैं यहाँ से, इनका खेलने का चांस काफ़ी कम है, तो इनको ड्रॉप ही करना। अब आप चाहते हैं मुंड्रो ले सकते हो, वेटसन रेस ले सकते हो, लेकिन मैं टॉस का अकॉर्डिंग इन दोनों में सजेस्ट करूँगा, ओके। लेकिन अभी के लिए ड्रॉप। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ ऑलराउंडर सेक्शन में, तो यहाँ से बी डी ओलिवेरा इस टीम के लिए कंटिन्यू चार ओवर भी करता है, प्लस टॉप ऑर्डर में बैटिंग करता है, मतलब ओपनिंग करता है, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। मोइन अली सैम है, क्योंकि ये भी कंटिन्यू ओवर भी करता है, प्लस बैटिंग भी काफ़ी शानदार है। डीजे बराव एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, इनको भी ड्रॉप नहीं कर सकता। अब आपके सामने एल डू प्लू है और यहाँ से बेनार्ड है। देखो बेनार्ड है मिडल ऑर्डर में बैटिंग करेगा और एल डू प्लू सेकंड डाउन करेगा, और दोनों कहीं ना कहीं बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मकीरन को ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा और यहाँ से बेंटन को भी ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, तो आप इनको ड्रॉप भी करना, एक दो ग्रैंड लीग में ट्राई करना, ओके। तो यहाँ से मैं अभी के लिए पिक करके चला हूँ, थोड़ा सा हटक गया हूँ, एल डू प्लू को पिक करता हूँ। और अगर टॉस पहले जीता वॉरशायर ने और बॉलिंग की, तो मैं यहाँ से वॉरशायर के बेनार्ड को पिक कर चलूँगा, ओके। अभी के लिए मैं एल्डू प्ले को। बात करें बॉलिंग सेक्शन में, जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी यहाँ से पैट्रिक ब्राउन, क्योंकि इस टीम तरह से ओपनर प्लस डेथ ओवर बॉलर, तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, ड्रॉप नहीं कर सकता, ओके। यहाँ से सैक्रिम सो एक ऐसा ही प्लेयर है जो कि ओपनर प्लस डेथ ओवर बॉलर है, तो ये दो प्लेयर ऐसे हैं जिनको मैं ड्रॉप नहीं कर सकता। एच कड और यहाँ से मार्कवट एक कंटिन्यू बॉलिंग करता लेकिन स्पिनर है, कॉर्नर्स भी कैसे प्लेयर, पेनिंगटन ऐसा है कि कंटिन्यू परफॉर्मेंस नहीं रहता, तो इसलिए मैं अभी के लिए एच कार्ड को पिक कर चलता हूँ, क्योंकि मैं फास्ट बॉलर को अपनी टीम में सजेस्ट करूँ, तो फास्ट बॉलिंग कहीं ना कहीं इस पिच पर कामयाब है, तो इसलिए मैं इन तीनों को पिक कर चलाऊँ। बात करें कैप्टनसी की, तो मैं कैप्टनसी अभी के लिए बी डी ओलिवेरा को पिक कर चलाऊँ। अगर पहले टीम बॉलिंग करेगी तो इसको टीम का कैप्टन बनाएंगे, अगर ये टीम पहले बॉलिंग नहीं करती, इसकी टीम पहले बैटिंग करती है, तो उस कंडीशन में हम कुछ अलग ही करेंगे वो लाइनअप, मतलब बॉलिंग के अकॉर्डिंग, ओके। तो मेरी टीम का कैप्टन ओलिवेरा, वाइस कैप्टनसी की अगर बात की जाए तो मोइन अली। तो इस तरह की मेरी टीम है अभी के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ अकॉर्डिंग टू रिकॉर्ड और अकॉर्डिंग टू लाइनअप, जो फाइनल टीम रहेगी अकॉर्डिंग टू टॉस जो फाइनल टीम रहेगी, वो आप मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक टॉप के कमेंट और वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच वीडियो कंप्लीट देखने के लिए। वीडियो आपको हल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ दोस्त, मेरे लिए कॉमेंट करके जरूर बता देना यार, आपको T20 ब्लास्ट की ये वीडियो कैसी लगी, क्योंकि अगर आपको सही नहीं लगी हो तो फिर मैं नहीं बनाऊँगा। अगर आपको सच में ही अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मैं आगे की सोचूं, वरना यहीं पर शट आउट मार्केट करते हैं, ओके। तो उम्मीद है ये, बस उम्मीद क्या है, आप कमेंट किए कि किस तरह का आपका रिप्लाई रहता है इस वीडियो के ज़रिए, ओके। थैंक यू सो मच कंप्लीट देखने के लिए।